मुरैना के सबलगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां रेल विभाग ने बजरंगबली को नोटिस जारी कर दिया और 7 दिन में मंदिर हटाए जाने का निर्देश भी दिया। अब आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है उस नोटिस की जो कि खुद बजरंगबली को दिया गया है और ये मांग की गई है बजरंगबली का, क्योंकि मंदिर है तो वहां से उस मंदिर को हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया है और 7 दिन में मंदिर हटाए जाने का निर्देश दिया गया है। मंदिर न हटाने पर तोड़ने की चेतावनी तक दी गई है। आपको बता दें कि रेल पटरी के किनारे 11 मुखी हनुमान मंदिर बना हुआ है, लेकिन ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन का काम चल रहा है, जिसको लेकर रेलवे ने नोटिस जारी किया। वहीं इस मामले पर मंदिर के पुजारी ने कहा कि जब से नोटिस मिला है पूजा में मन नहीं लग रहा है। मैं बहुत दिनों से पूजा कर रहा हूं इसकी जी, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं है। हनुमान जी के नाम से नोटिस दिया गया है। अच्छा, नोटिस किसने दिया है? ये रेल विभाग ने हटाने के लिए। हाँ। अच्छा, तो अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब पूजा पाठ में? पूजा पाठ में मन कांत ही लगेगा। एक तरफ सरकार दम भरती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर दवाइयां और तक जनता के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जब अस्पताल की एम्बुलेंस ना पहुंच पाए तो सरकार के दावे खोखले नजर आते हैं। अब ऐसा ही मामला एसपी के सिंगरौली से सामने आया, जो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। ये तस्वीरें आपका दिल पसीज देंगी, ये तस्वीरें आंखें नम कर सकती हैं। इन तस्वीरों की हकीकत को जब आप जानेंगे तो हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। मुमकिन है सच्चाई सुनने और व्यवस्था की खामियों को देखकर आपको गुस्सा भी आ जाए। ये तस्वीरें कहां की हैं और ठेले पर लेटे शख्स को क्या परेशानी है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें जरूर देख लीजिए। ठेले पर लेटा शख्स, पीछे से धक्का लगाता मासूम, आगे से ठेले को रेलती महिला, लगातार अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठेले पर लेटे शख्स का नाम दीनदयाल शाह है, जिसका कुछ दिन पहले पैर टूट गया था। बीते शुक्रवार को पैर में अचानक दर्द शुरू हुआ, जिससे पीड़ा ज्यादा होने से मरीज कराहते हुए छटपटाने लगा। मासूम बच्चे से रहा नहीं गया और पिता को ठेले पर लिटाकर मां को साथ लेकर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचा। जहां किसी ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से ये वायरल हो गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की बताई जा रही हैं, जहां मरीज को ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचने के वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मामले में संज्ञान लिया। एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई, इसके लिए सीएमएचओ और सिविल सर्जन को आदेश दे दिया गया है कि इसके लिए दोषी कौन है और किन परिस्थितियों में चीजें लेकिन खुली है, दोषी खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वही वीडियो वायरल होने के बाद और प्रशासन के एक्शन पर जिम्मेदार अधिकारियों की दलील भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि मरीज के परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल ही नहीं किया था। वो असल में ट्रामा सेंटर से करीब 500-700 मीटर दूर उसका घर है और दीनदयाल शाह नाम है और उन्होंने एम्बुलेंस के लिए कोई कॉल नहीं किया था। एम्बुलेंस वाले जो कॉल रिकॉर्ड पे हमारे सीएमएचओ चुन गए, कॉल नहीं किया था, फैमिली वाले बता रहे और वो चूंकि घर के पास था और ठेला वहाँ अवेलेबल था तो इसलिए वो नहीं आया था। शहर का ये हाल ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जिला मुख्यालय में प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सिस्टम की लापरवाही को दिखाती है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जिले में 16 एम्बुलेंस मौजूद हैं, जिसमें 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है जो गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं, वहीं 19 जननी वाहन मौजूद हैं। फिर इस तरह की घटनाएं अफसरों की उपेक्षा को बयां करती हैं। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के जरिए लगाया गया 3 किलो का आईडी बम बरामद कर लिया है।
नक्सलियों ने ये प्रेशर आईडी आवापल्ली उसूर मार्ग शिव मंदिर के पास से बरामद किया है। फिलहाल बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। राजधानी रायपुर से सामने आई